ये प्रोग्राम जो है मूविंग सर्कल के लिए है ना, सर्कल को मूव करना क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, सर्कल को मूव नहीं करना है, उसको प्रिंट करना है हमने, और पुराने वाले सर्कल को रिमूव कर देना है, और इतनी फास्ट करना है कि पता नहीं चले कि पुराना रिमूव हो रहा है। डन। तो आउटपुट देखो कैसे इसकी, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्कल के 100 सर्कल प्रिंट कर दिए, ठीक है, 100 टाइम लूप चलाएगी, 100 सर्कल प्रिंट करने हैं, और डिले कितना लगा दिया हमने 5 का, ठीक है, इसको रन करते हैं, मूव कर रहे हैं, ये 100 की जगह यहाँ पे कर दी 400। तो व्हाट ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली ये एक ही सर्कल बार बार प्रिंट हो रहा है, सिर्फ उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो इसको समझते हैं सर, ये हेडर फाइल क्लियर है, क्यों इंक्लूड करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं है हमें, कौन ही इसके लिए यूज़ करते हैं, वो गेट सी एच के लिए, ग्राफिक्स किसके लिए हमारे पास है, ग्राफिक्स का प्रोग्राम है, तो ग्राफिक्स स्टार्ट करने हमने, तो ग्राफिक्स की फंक्शन इसी फाइल में है। डोज किसके लिए है, डिले के लिए है, ये जी डी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, जी एम एक वेरिएबल ग्राफिक्स मोड के लिए, ये तीन वेरिएबल लिए हुए हैं, सी एक्स सी वाई आर, सी एक्स मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और सर्कल का, सी वाई किसके लिए, सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का। क्लियर स्क्रीन, ये स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के तरीका, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टर्बो सी थ्री, ये पाथ है आपके सी के कंपाइलर का, कहाँ पर समटाइम ये डी सी होता है, समटाइम ये स्मॉल लेटर में भी होता है, कैपिटल लेटर में होता है, केस सेंसिटिव है। और दूसरी बात, ये स्लैशेस कौन सी आती हैं, हमेशा फॉरवर्ड स्लैशेस आती हैं, बैकवर्ड नहीं। तो हमने जो फर्स्ट सर्कल बनाया है उसका कितना हमने एक्स एक्सिस में कितना लिया 25, और वाई एक्सिस में कितना लिया है, तो नियर बोर्ड यहाँ ऐसे आएगा, ये 25 एक्स एक्सिस में गया, तो इधर से, क्योंकि ये लेफ्ट टॉप से इसके कोऑर्डिनेट शुरू होते हैं। और रेडियस कितनी ली है 25। अब हमने कलर्ड सर्कल करना है, तो उसके दो फंक्शन होते हैं, एक सेट फिल स्टाइल, दूसरा फ्लड फिल। सेट फिल स्टाइल का मतलब है कि आपने किस पैटर्न में कोई पर्टिकुलर कलर देना है, और फ्लड फिल का मतलब क्या होता है कि आपका क्लोज्ड शेप कौन सी है, उसके अंदर के कोऑर्डिनेट देने और बॉर्डर का कलर देना है। तो ये अंदर के कोऑर्डिनेट है और ये बॉर्डर है। सर्कल हमारा ये है नॉर्मल सर्कल, सर्कल के एक्स एक्सिस में एक इंक्रीज किया है, वो एक्स में एक पॉइंट में जाए, वाई एक्सिस वैसी की वैसी रहे, रेडियस भी वैसे का वैसे रहे, और डिले कितने का लगाया हमने 5 का, यानी कि एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल आने में 5 यूनिट जो टाइम लगता है वो लगे, आपको लगे कि वो थोड़ा रुक के आ रहा है। और साथ में क्लियर डिवाइस का मतलब क्या है, जो भी ग्राफिक्स भी होगा वो क्लियर हो जाएगा, लूप स्टार्टिंग से फिर चलेगी, फिर सर्कल को प्रिंट करेगी, बट इस बार वो एक पिक्सल आगे प्रिंट करेगी। जब इसको हम फास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी आउटपुट कैसे आती है, जस्ट लाइक दिस हो कह रहा है, एक्चुअली में एक सर्कल रिमूव हो रहा है, नए वाला आ रहा है, और इतना फास्ट ये चल रहा है। यदि इसको डिले हमने 5 रखा है, इसको 10 रखें, तो ये क्या है, एक ड्रैगिंग की फॉर्म में चलेगा, और डिले कर देंगे तो और उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल।